नमस्कार जी, राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा गोयत। खबरों की शुरुआत करते हैं 150 गांव 150 खबरों की शुरुआत डूंगरपुर जिले से, जहां अपना योजना के अंतर्गत किसानों का एक दल 7 दिवसीय भ्रमण के लिए रवाना हुआ। जिला प्रमुख माधव लाल वरहत ने हरी झंडी दिखाकर दल को रवाना किया। किसान विभिन्न जिलों का भ्रमण करते हुए कृषि की तकनीकों के बारे में जानेंगे। बूंदी में नवाना के लाइचा गौशाला में गौकथा का आयोजन किया जा रहा है, जहां कथावाचक किशोरी जी ने गौवंश के बारे में जानकारी दी। जोधपुर के ओसिया में बस स्टैंड पर लगे हाट बाजार के चलते लोगों का पैदल चलना दुश्वार हो गया है, लेकिन पंचायत प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भाजपा की जीत को लेकर नोखा में अंबेडकर सर्किल पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की। बांसवाड़ा के बड़गांव में दो बाइकों में भिड़ंत हो गई, हादसे में बाइक सवार दो छात्र घायल हो गए। जयपुर के रेनवाल थाना इलाके में कार ने बाइक को टक्कर मार दी, हादसे में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। नागौर के पर्वतसर पंचायत समिति के उपचुनाव में कांग्रेस की सपना चौधरी ने 9 वोटों से विजय हासिल की। विभाग जानकर भी अनजान बना हुआ है। धौरीमन्ना पहाड़ी पर मलाणी कुंभ मेले का आयोजन हुआ, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। चमोली के काशी विश्वनाथ मंदिर में विशाल पौषबाड़ा प्रसादी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हिंदू जागरण मंच मंत्री धनराज पिलोदिया, सामाजिक कार्यकर्ता अक्षय शर्मा आदि उपस्थित रहे। देसुरी के तहसील कार्यालय में बने शौचालय घरों की हाल बेहाल है और इसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। झालावाड़ के बिलावा रेंज में नुक्कड़ नाटक और कठपुतली कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। टोंक की चंदलाई ग्राम पंचायत में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हाईवे पर स्थित होने की वजह से हादसों की आशंका बनी रहती है, इसे लेकर ग्रामीणों में रोष है। डूंगरपुर के आसपुर थाना क्षेत्र के टोकवासा गांव में सोयाबीन से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, ट्रक में 250 क्विंटल सोयाबीन भरा हुआ था। बूंदी की डॉली में मजदूरों ने बजरी चालू करवाने की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही कहा कि परिवार चलाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। सेवारत डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते पुलिस ने रेशमा के तहत जोधपुर के शेरगढ़ ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर जोगेश्वर प्रसाद को गिरफ्तार किया है। शेरगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सन्नाटा पसरा रहा और रविवार को एक भी मरीज का पंजीयन नहीं हो पाया था, मरीजों को अस्पताल से निराश होकर लौटना पड़ा। श्री डूंगरगढ़ में जैसलमेर की राजकीय माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को स्वेटर वितरण किया गया। बांसवाड़ा के कांजी का गढ़ा गांव में सांसद मानशंकर निनामा के निवास पर विद्यार्थी मित्रों ने ज्ञापन दिया, जिसमें अपनी विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा की गई। जयपुर के रेनवाल में राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय हरसोली में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। 235 मरीजों की जांच करके उन्हें निःशुल्क दवा वितरण की गई। नागौर के पर्वतसर में अन्ना हजारे के प्रस्तावित दौरे को लेकर कार्यक्रम संयोजक विक्रम सिंह टापरवाड़ा ने पर्वतसर का दौरा किया। हनुमानगढ़ के संगरिया में जलदाय विभाग की पेयजल पाइपलाइन लीकेज होने की वजह से सड़क पर गड्ढे हो गए, लेकिन विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा। बाड़मेर के धौरीमन्ना में भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल और गुजरात में जीत का जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई देते हुए आतिशबाजी की। हरमाड़ा इलाके में चौराहे पर निगरानी के लिए रखी गई पुलिस गोमटियों को डिवाइडर की जगह काम लेना शुरू कर दिया गया है। पाली के देसपुरी में सेवारत डॉक्टर्स की हड़ताल पर चले जाने के बाद आयुर्वेद चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। टोंक में डाडा हिंद ग्राम पंचायत के ग्रामीण पिछले कई दिनों से बिजली कटौती से परेशान है, वहीं विद्यार्थियों को भी परेशानी हो रही है। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा पंचायत विकास समिति अधिकारी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान वीडियो ने योजनाओं की भौतिक सत्यापन की। बूंदी में सेवारत चिकित्सकों की हड़ताल के चलते अस्पताल में मरीजों की जान पर आफत आ गई। चिकित्सकों की गिरफ्तारी के विरोध में पुलिस के खिलाफ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया।
शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने बावड़ी ग्राम पंचायत में पशुपालकों की समस्याएं सुनी और समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। बीकानेर के चक 295 आरडी में कई घरों पर 11,000 केवी की विद्युत लाइन टूट कर गिर गई, जिसके चपेट में आने से दो मवेशियों की मौत हो गई। बांसवाड़ा में भाजपा कार्यालय के बाहर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से गुजरात और हिमाचल में भाजपा की जीत की खुशी में जमकर आतिशबाजी की गई। जयपुर के चाकसू में रसूलपुरा गांव में इंडियन ऑयल पश्चिमी क्षेत्र पाइपलाइन द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 451 रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान की गई। नागौर के अकेली गांव की स्कूल को पीपीपी मोड पर देने का ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। हनुमानगढ़ के टिब्बे में भाजपा देहात मंडल के तत्वाधान में गुजरात और हिमाचल में मिली शानदार जीत के उपलक्ष्य में अंबेडकर चौक पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की। बाड़मेर के बाघासर सड़क मार्ग पर कोंडरा फाटा के पास ट्रोले और बस की टक्कर हो गई। हादसे में ट्रोले में सवार 4 लोग घायल हो गए। चौमू नगर पालिका इलाके में स्वच्छता अभियान दम तोड़ता नजर आ रहा है। कई वार्डों में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जयपुर के कोटपुतली में सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। गुजरात चुनाव में भाजपा की जीत को लेकर पिड़ावा के भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करके खुशी का इजहार किया। चौंक के सोहेला ग्राम पंचायत में पीपलू डिग्गी पर जाने वाला मार्ग पूरी तरह से खस्ताहाल हो गया है, लेकिन जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं दे रहे। डूंगरपुर में सर्व शिक्षा अभियान की ओर से एक दिवसीय शाला सिद्धि प्रशिक्षण आयोजन किया गया और इसमें विद्यालय हित के विभिन्न आयामों की जानकारी दी गई। बूंदी के हिंडौली में शारीरिक शिक्षकों ने बैठक आयोजित करके वेतन विसंगति पर प्रदर्शन किया और इसके लिए तैयारियों के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सैपऊ में राजकीय स्कूल में भामाशाह ने 275 स्कूली बच्चों को कपड़े बांटे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा मिथिलेश शर्मा थी और अध्यक्षता बीओ रामप्रसाद राघव ने की। ब्यावर में श्री लेडीज क्लब के तत्वाधान में श्री रंगमंच सभागार में गेट टुगेदर का आयोजन किया गया। इसमें शहर की जाने मानी महिलाओं ने शिरकत की। भरतपुर के पाइप ग्राम पंचायत में नालियों का पानी सड़क पर जमा होने की वजह से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। चित्तौड़गढ़ के कपासन में सेवा चिकित्सकों की हड़ताल पर जाने के बाद सेवानिवृत्त चिकित्सकों ने मरीजों का इलाज किया। सांगोद में गुजरात और हिमाचल में भाजपा की जीत पर विधायक हीरालाल नागर की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला। भाजपा की गुजरात और हिमाचल प्रदेश में शानदार जीत पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला। बीकानेर के बामनवाली में समेकित पोषण स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 26 बच्चों का इलाज किया गया। बांसवाड़ा के घाटोल कस्बे में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। इसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने अपनी चेकअप करवाए। जयपुर के कोटपुतली में गोधनपुरा गांव में सिटी लाइट का आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के तहत शुभारंभ हुआ। नागौर में मारवाड़ी युवा मंच कैंसर के खिलाफ जल्द अभियान शुरू करेगा। अभियान को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। हनुमानगढ़ के टिब्बे में नशे की बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने एसडीएम उमेश सिंह रत्नू को ज्ञापन सौंपा। नशे की बिक्री को लेकर ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार पुलिस को शिकायत दी गई, इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। बाड़मेर के गीड़ा थाना क्षेत्र में खोपसर दक्षिण गांव में छात्रा का अपहरण करने के मामले में 4 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं। लोगों के राजावास में कुम्हारों की ढाणी में हाई टेंशन तार टूट कर एक मकान पर गिर गया। ढाणीवासियों ने फोन करके बिजली सप्लाई बंद कर पाई। टोंक के उनियारा पंचायत समिति क्षेत्र में मंडावरा ग्राम पंचायत का हाल सुधरने का नाम नहीं ले रहा। ग्रामीण अघोषित बिजली कटौती से परेशान है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश की भाजपा की जीत पर धौलपुर में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया।
उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी और संसदीय सचिव शत्रुघ्न गौतम ने राजकीय कॉलेज में भवन का लोकार्पण किया। भरतपुर के रूपवास कस्बे में जगह जगह गंदगी का ढेर लगे हुए हैं, वहीं आवारा पशु यहां परेशानी का सबब बने हुए हैं। चित्तौड़गढ़ के सांवलिया जी में अमावस्या पर कृष्ण धाम सांवलिया जी में भगवान के दर्शनों के लिए श्रद्धालु उमड़े। खरसाना के सतराना गांव में पीओपी से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया, गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। कोटा के सुल्तानपुर में पुलिस थाने के बाहर विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा ने गरीबों को कपड़े और कंबल का वितरण किया। जयपुर के कोटपुतली में लायंस क्लब की ओर से रीढ़ की हड्डी की समस्या से होने वाले रोगों पर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, इसमें रोगियों के लिए लाभदायक योग और उपचार बताए गए। बूंदी कलेक्टर शिवांगी सुरंकार ने सभी विभागों के अधिकारियों को जल्द योजनाओं की क्रियान्विति को लेकर निर्देश दिए। डूंगरपुर की रामसागरा थाना पुलिस ने एक छात्र चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की चार बाइक और एक ट्रैक्टर ट्रॉली को बरामद किया। करणसर के राजकीय कॉलेज में स्वयं पाठी विद्यार्थियों का परीक्षा केंद्र स्वीकृत हो गया है, इसके लिए कॉलेज शिक्षा विभाग ने मंजूरी दे दी। सादुल शहर की वार्ड नंबर 19 के उपचुनाव में कांग्रेस ने बाजी मार ली है, भाजपा प्रत्याशी रेखा सोलंकी 179 वोटों से पराजित हुई है। चुनाव परिणाम घोषित करने के बाद एसडीएम नीलाब सक्सेना और तहसीलदार मानसिंह प्रजापत ने कांग्रेस प्रत्याशी को प्रमाण पत्र दिया और पद की शपथ दिलवाई। गोपालगढ़ में समर्थन मूल्य खरीद केंद्र पर मूंग तुलाई का कार्य जारी है, व्यवस्थापक दीपाली सोनी ने केंद्र पर किसानों की समस्याएं भी सुनी। बांसवाड़ा के गनोड़ा कस्बे में एक जीप अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, हादसे में दो लोग घायल हो गए जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। चौमू के जैतपुरा गांव में एक मकान में काम करते वक्त मजदूर को करंट लग गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के भिंड निवासी मुरली के रूप में हुई है, फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। टोंक पंचायत समिति के प्रधान जगदीश गुर्जर पर विकास कार्यों में जमकर लीपापोती करने के आरोप लग रहे हैं। पंचायत समिति सदस्यों का आरोप है कि प्रधान जगदीश गुर्जर वर्क ऑर्डर जारी करके खुलकर कमीशन खोरी करते हैं और उसकी शिकायत लोकायुक्त को भेजी जा चुकी है। जयपुर के कोटपुतली में पुलिया विस्तारीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन लगातार 39वें दिन भी जारी रहा, वहीं धरने पर मौजूद लोगों ने सांसद और विधायक के नहीं आने पर नाराजगी जताई है। सादुल शहर में महिला को परेशान करने वाले मामले में सैकड़ों लोगों ने पुलिस थाने का घेराव किया है। महिला ने पार्षद सुरेंद्र कुमार पर मामला दर्ज करवाया था, महिला ने पार्षद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सांगोद में वाल्मीकि समाज की ओर से पालिका जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, इस दौरान लोगों ने अपनी समस्याओं से अवगत भी करवाया। धौलपुर की सरानी ग्राम पंचायत में पेट्रोल पंप के पास भीषण आग लग गई, इसमें हजारों रुपयों का सामान जलकर राख हो गया। तीन दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया गया, आग के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। सरवाड़ में एसडीएम सूरत सिंह ने दी के जन्मदिन पर थाने में वृक्षारोपण किया गया और स्कूली बच्चों को गर्म कपड़े बांटे गए। भरतपुर की पहाड़ी तहसील में बालिका स्कूल के आगे गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कई बार लिखित शिकायत दिए जाने के बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में विद्यालय विकास समिति सदस्यों द्वारा विद्यार्थियों को स्वेटर वितरण किया गया। धौलपुर में बस स्टैंड पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं है और यहां पर आए दिन जाम की हालात बने रहते हैं। अजमेर में गोठियाना गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही, स्टाफ समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाता। ग्रामीणों ने 10 दिन के भीतर कार्रवाई न होने की सूरत में अस्पताल पर ताला लगाने की चेतावनी दी है। इंडोन सिटी में 17 फरवरी को आयोजित होने वाले अग्रवाल समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारियों को लेकर वैश्य महिला महासम्मेलन की बैठक आयोजित की गई। सुल्तानपुर में समस्या समाधान अभियान के तहत वार्ड नंबर 4 में शिविर आयोजित किया गया, इसमें सरपंच मांगेलाल ने समस्याएं सुनी। भरतपुर के कामा नगर पालिका द्वारा सड़क निर्माण कार्य पूरा कराए जाने पर स्थानीय लोगों ने विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष का आभार जताया।
पिथौरगढ़ के शंभूपुरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुजरात और हिमाचल में भाजपा को मिली जीत पर जमकर जश्न मनाया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के राजाखेड़ा दौरे को लेकर जिला प्रमुख धर्मपाल सिंह यादव ने गांव गांव जाकर लोगों से जनसंपर्क किया। कोटा के अमृतकुआ में आम रास्ते पर कीचड़ की समस्या से जूझ रहे लोगों को अब राहत मिलेगी। यहां 5 लाख की लागत से सीसी सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। श्रीगंगानगर के 52 LMP के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक महिला समूह ने स्वेटर वितरण किया। समूह ने जरूरतमंद परिवारों के 42 बच्चों को स्वेटर वितरण किया। सबोटरा की बुकना ग्राम पंचायत के राजकीय स्कूल में ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी लखनलाल मीणा की आतिथ्य में जर्सी वितरण समारोह आयोजित किया गया। विद्यालय के 154 छात्र छात्राओं को स्वेटर वितरण करते हुए उच्च शिक्षा हासिल करने पर जोर दिया गया। श्रीगंगानगर के घरसाना में पुलिस ने स्टेट हाईवे पर नाकाबंदी करके वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने करीब 1 दर्जन वाहनों के चालान काटे। भागलपुर के मरुधर महाविद्यालय में सहयोग संस्थान की ओर से सिलाई प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। सहयोग संस्थान की ओर से महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण देकर उन्हें निःशुल्क सिलाई मशीन का वितरण किया जाएगा। इंदौर सिटी में भाजपा शहर मंडल एवं महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भाजपा की जीत पर जुलूस निकाला और आतिशबाजी की। भीलवाड़ा की मांडलगढ़ पंचायत समिति सदस्य के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी हेरूलाल जाट ने 114 वोटों से चुनाव जीत लिया। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द हासिल होते हैं। जैसलमेर में सामगर मल गोपा शाखा की 231 आदि पर सिंचाई के पानी की मांग को लेकर पिछले 13 दिनों से किसान धरना दे रहे हैं। व्यापार एवं उद्योग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष चंपालाल खत्री और जिला परिषद सदस्य कुंदनलाल कुमावत ने किसानों की सुधरी और हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। बिजोलिया में भील समाज के छात्रावास पर विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान मंत्री पुष्पेंद्र सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। बालोतरा उपखंड के ढाणी सांखला ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों में ग्रामीणों ने अमितायों की शिकायत दी। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय स्कूल में स्वच्छता अभियान के तहत बने शौचालय निर्माण में घपला करवाया जा रहा है। जालौर के भीमाल में अतिवृष्टि और बाढ़ के बाद बही कोड़ी नदी में पुलिया आज भी बदहाल है। 5 महीने बीत जाने के बावजूद इसकी मरम्मत नहीं हुई। पाली के कागदरा गांव में स्थित राजकीय स्कूल में बच्चे गंदगी के बीच शिक्षा लेने को मजबूर हैं। जैसलमेर के रामदेवरा कस्बे में इकबाल बस्ती में नाला अवरुद्ध हो गया है, इससे घरों में गंदा पानी घुस रहा है। इस बारे में ग्राम पंचायत को शिकायत दी गई लेकिन इसके बावजूद ध्यान नहीं दिया जा रहा। भीलवाड़ा के जहाजपुर में एसडीएम करतार सिंह ने 35 विद्यार्थियों को स्वेच्छ बांटे। रोडवेज कर्मचारियों की मांग पूरी न होने पर आज कोटपुतली राजस्थान रोडवेज कार्यालय के सामने रोडवेज कर्मचारी धरने पर बैठ गए और जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल रोडवेज कर्मचारी बोनस पेंशन डीए और रोडवेज का निजीकरण में शामिल न करने की मांग कर रहे हैं। बीकानेर के कोलायत में सुथारों की झाड़ी में पिछले 2 महीने से पेयजल सप्लाई बंद है जिससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। दौसा जिले के नेशनल हाईवे नंबर 21 पर पाचोले गांव के पास हादसा हो गया। यहां पर भरतपुर की ओर से आ रहे टैंकर ने खड़ी गाड़ी में टक्कर मार दी। हादसे में गाड़ी का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानंद में उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अलवर में बीती रात सिरी सेठ से लौट रहे बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। बारा के अंत में जमींदोज हुई बावड़ियों को जल्द कायाकल्प किया जाएगा। जल्द स्वावलंबनी योजना के तहत इन बावड़ियों को सौंदर्यकरण किया जाएगा। बिजोलिया के तलसवा महादेव में एक दिवसीय अमावस्या का मेला लगा। मेले में हजारों श्रद्धालुओं ने स्नान किया। भरतपुर की बैठक में सतर्कता एवं शांति समिति की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। एसडीएम विशंबर दयाल शर्मा ने अनुपस्थित रहे अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी करने के आदेश भी दिए। अजमेर के विजयनगर में पालिका प्रशासन और AILS मुंबई के तत्वावधान में स्वच्छ भारत मिशन के तहत काम किया गया। सेमिनार के दौरान सेप्टिक टैंक के निर्माण में बरती जाने वाली सावधानी के बारे में जानकारी दी गई।
बीकानेर में महावीर इंटरनेशनल बिकाना संस्था की ओर से जरूरतमंदों को रजाई और गद्दों का वितरण किया गया। डूंगरपुर में पंचायत उपचुनाव के तहत झोथरी पंचायत समिति के विकास नगर सीट के हुए चुनाव में भाजपा ने बाजी मारी। झोथरी तहसील में आयोजित हुई मतगणना में भाजपा प्रत्याशी बंसीलाल पाटीदार ने कांग्रेस के प्रत्याशी ईश्वरलाल पाटीदार को 78 मतों से मात दी। बांसवाड़ा जिला परिषद के वार्ड नंबर 14 के उपचुनाव में कांग्रेस ने बाजी मार ली। कांग्रेस के राजेंद्र पाटीदार ने भाजपा प्रत्याशी प्रवीण पाटीदार को 3178 मतों से हराया। बिजोलिया के सलावटिया ग्राम पंचायत में बने पार्क के आसपास हो रहे अतिक्रमण से पार्क में जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। चौमू नगर पालिका एक बार फिर विवादों के घेरे में है। कचरा न उठाने की समस्या को लेकर नाराज नेता प्रतिपक्ष शैलेंद्र चौधरी के नेतृत्व में पालिका के गेट के बाहर प्रदर्शन किया गया। पाली में मारवाड़ उपखंड के कंटालिया गांव में ग्रामीण 5 दिन से कई मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। उदयपुर के भीतर में युवती की गुमशुदगी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले के विरोध में सैकड़ों लोगों ने रैली निकाली। लोगों ने पुलिस को ज्ञापन देते हुए कार्रवाई न होने की सूरत में आंदोलन की चेतावनी दी है। सरकार के 4 साल पूरा होने पर अजमेर में लगाई गई स्वराज प्रदर्शनी अंतिम रूप दिन से पहले ही समाप्ति दिखी। लोगों ने एक दूसरे के स्टॉल बंद करना शुरू कर दिया। बीकानेर के लूणकरणसर में 2 नाबालिग बहनों से दुष्कर्म का मामला सामने आया। बच्चियों के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। कोटा में महिला के साथ लूट की वारदात हो गई। आरोपियों ने आंखों में मिर्ची डालकर वारदात को अंजाम दिया। 12 जिले के जंगलों में अज्ञात बदमाशों ने 3 रेबारियों का अपहरण कर लिया और पुलिस सीमा से सटे गांवों में जंगलों में सर्च कर रही है। भीलवाड़ा के जहाजपुर में विधायक धीरज गुर्जर से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें विधायक धीरज गुर्जर के साथ अभद्रता की जा रही है। 17 दिसंबर का यह मामला बताया जा रहा है जो कि पनवेर का है। पुलिस की गैर मौजूदगी में गुर्जर को यहां से निकाला गया। श्रीगंगानगर की बैंक कॉलोनी में रविवार को हुई चोरी की वारदात करके फरार हुए युवक अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बांसवाड़ा के पालोद्रा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 दिन पहले हुई हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भीलवाड़ा के फुलिया कला में खाली पड़े भूखंड पर धार्मिक स्थल को लेकर विवाद हो गया। दूसरे दिन पुलिस मौके पर तैनात रही। दौसा के मानपुर में बीती रात बदमाशों ने एक्सिस बैंक के एटीएम को लूटने की कोशिश की। बदमाशों ने एटीएम में कटर डाला लेकिन पुलिस को लेकर बदमाश भाग गए। जैसलमेर के कहला गांव में शिक्षक का पद रिक्त होने की वजह से ग्रामीणों ने स्कूल पर तालाबंदी कर दी। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।